कटनी में माधव शाह हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर ने एमपीएमसी में बिना रजिस्ट्रेशन के इको की जांच कर दी, जिसके बाद इस मामले की शिकायत जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास गई। शिकायत मिलने पर मुख्य जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने माधव शाह हॉस्पिटल में दबिश देते हुए प्रारंभिक रूप से हॉस्पिटल में रखी इको जांच वाली मशीन को जब्त कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हॉस्पिटल में धांधली की बात अब आम हो चुकी है। आए दिन हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा की गई बदसलूकी और कालाबाजारी की खबरें सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है माधव शाह हॉस्पिटल से, जहां डॉक्टर बलदेव सिंह बिना रजिस्ट्रेशन के इको की जांच कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी जांच के लिए माधव शाह हॉस्पिटल पहुंचे। अधिकारियों ने इको मशीन जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रदीप मुड़िया ने बताया कि कल उन्हें शिकायत मिली थी कि माधव शाह हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर बलदेव सिंह बिना रजिस्ट्रेशन के इको की जाँच कर रहा है। इसकी जाँच करने के लिए कलेक्टर की परमिशन भी ली जाती है। शिकायत के बाद जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने माधव शाह हॉस्पिटल में दबिश देते हुए प्रारंभिक रूप में हॉस्पिटल में रखी इको वाली जांच मशीन को जब्त कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कल हमें शिकायत मिली थी कि बाबा माधव शाह हॉस्पिटल में अनधिकृत तरीके से इको करी जा रही है, इकोग्राफी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो करी जा रही है। तो मेरा DHO हमारे टीम को भेजा था, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बलदीप जो हैं, उनके द्वारा पता चला है कि इको की ऑन एंड ऑफ जब कभी इमरजेंसी में इको कर ली जाती थी बेसिकली, बट चूंकि वो रजिस्टर नहीं है, MPMP से भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए उसका जो प्रूफ है, प्रूफ को जब्त किया गया है और आगे कार्रवाई करी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।